अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मरियम नवाज़ ने आज ईद उल अज़ा प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। जी हां, हुकूमत की जानिब से एक नए इमदादी प्रोग्राम का आगाज़ किया जा रहा है, जिस प्रोग्राम के ज़रिए ख़वातीन हज़रात और मर्द हज़रात दोनों हज़रात हुकूमत की जानिब से बड़ी इमदाद 40,000 रुपये की इमदाद बहुत ही आसानी तरीक़ेकार के ज़रिए अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये कौन से प्रोग्राम हैं, इन प्रोग्राम में आप अप्लाई किस तरह करेंगे, इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या रूल्स हैं, कौन से अफराद इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, तमाम तर तफसीलात, तमाम तर डिटेल आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। और स्पेशली तौर पर आज की ये वीडियो ख्वातीन हजरात के लिए होने वाली है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से तो एक प्रोग्राम के जरिए इमदाद मिलेगी जो कि मर्द हजरात को दी जाएगी, और जो ख्वातीन हजरात है उन ख्वातीन को दो नए प्रोग्राम के जरिए इमदादें दी जाएंगी। लेकिन ये कौन से प्रोग्राम है, इन पर हमें अप्लाई किस तरह करेंगे, तमाम तर तफसीलात, तमाम तर डिटेल आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आप सभी को स्किप नहीं करना, को मुकम्मल जरूर से देखना चलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश होती है, अगर आप इस चैनल पर नए, आज के नीचे आप सामने रेड कलर का आपको बटन नजर आएगा, आप लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हुकूमत की जानिब से जो तीन नए प्रोग्राम का आगाज किया गया है, ये माह रमजान के महीने में ही इन प्रोग्राम का आगाज कर दिया जाएगा और तमाम अफराद को हुकूमत की जानिब से पेमेंट्स भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। और इन प्रोग्राम का नाम ईदी प्रोग्राम इस वजह से रखा गया क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये रमजान शरीफ के महीने में यानी कि आगाज किया जा रहा है इन प्रोग्राम्स का। और इन प्रोग्राम्स के जरिए पहले काफी खवातीन हजरात और मर्द हजरात को इमदादें मिल भी रही थी, लेकिन काफी ऐसे मसाइल बने जिसकी वजह से काफी खानदानों की तो पेमेंट्स रुक गई थी, तो काफी खानदानों की पेमेंट्स को कम कर दिया था। उनमें से सबसे पहला प्रोग्राम है असास राशन रायत प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के जरिए खवातीन हजरात को हुकूमत की जानिब से राशन दिया जा रहा है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल के जरिए अप्लाई करके अपने राशन हासिल कर सकते हैं। ये रमजान शरीफ के महीने में आपको राशन मिलेगा, और यह राशन पहले आपको 7,000 रुपए नहीं मिलेगा या 5,000 नहीं मिलेगा, ये आपको इस राशन को बढ़ाकर 14,000 या फिर 12,000 रुपए कर दिया जाएगा। और काफी खवातीन हजरात इस बात को सुनकर यकीनन बहुत ज्यादा खुशी हुई होंगी, क्योंकि आपको पता है कि माह रमजान में हर चीज, जो भी चीज होती है, जैसे स्पेशल तौर पर सब्जियां वगैरह या जो भी किराने का सामान है, वो बहुत ज्यादा महंगा हो जाती है, जिसकी वजह से हुकूमत की जानिब से इस प्रोग्राम का थोड़ा सा बजट बढ़ा दिया गया है। और साथ ही साथ हुकूमत की जानिब से उन खवातीन हजरात के लिए बड़ी अपडेट है, जो जिन खवातीन को पहले बेनजीर की जानिब से पैसे मिल रहे थे और बाद में उनके पैसे बंद हो गए थे, तो मैं आपको बता दूं आप क्या कर सकते हैं, अपना डायनेमिक सर्वे जितनी जल्दी हो सके रमजान शरीफ से पहले पहले अपना करवा लें। डायनेमिक सर्वे के बाद आपकी जो पेमेंट्स है, अगर आपको पहले नहीं मिल रही थी तो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और अगर आपको मिल रही है तो आपकी जो पेमेंट है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है, बहुत ज्यादा कितना 35% इजाफा किया जा रहा है। अगर आप पहले 7,000 रुपए की इमदाद ले रहे थे तो उसको बढ़ाकर अब कितना 9,000 रुपए कर दिया गया, और हुकूमत की जानिब से बहुत बड़ी अपडेट है। और साथ ही साथ हुकूमत की जानिब से जो डायनेमिक सर्वे हो रहा है, तो उस डायनेमिक सर्वे में आप क्या कर सकते हैं, आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले आपको चंद हदायात सुननी पड़ेंगी, जिसमें से आपने क्या करना है, अगर आप खातून हैं तो आपका जो शोहर वफात पा चुके और आपने उनका 10 सर्टिफिकेट और आपने अपने बच्चों का बे फॉर्म लाजमी से बनवा लेना है, ये चीज़ें आपकी हुकूमत लाजमी चेक करता है। दूसरे नंबर पर मजदूर कार्ड प्रोग्राम का भी आगाज़ हो चुका है, और मजदूर कार्ड प्रोग्राम की जो पेमेंट है वो भी मिलना स्टार्ट हो चुकी है, जो अफराद हासिल करना चाहते हैं तो वो अपनी इमदाद को वसूल कर सकते हैं। तो उम्मीद है मुख्तसर सी अपडेट थी, मुख्तसर सी वीडियो थी, आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।